हमारे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं जनपद जौनपुर से, और वो सामाजिक न्याय के नेता हैं, पीडीए के नेता हैं। अब उनको जनसंख्या दिखने लगी है, यहाँ रोजगार की बात आई कि जनसंख्या दिखने लगी है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला है तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला है, सबसे पहली बात है कि वो पीडीए के हिस्सा हैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने टोटल पूरी तरह से पीडीए पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पीडीए का ही देश में शोषण हो रहा है। अच्छा। और पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से हमारे नेता उस पर काम कर रहे हैं, और हम लोग उनके सिपाही हैं, और अपने नेता के कहने पर, उनके आदेश पर हम लोग पूरा फॉलो करेंगे, और फॉलो नहीं साहब, टोटल उस पर काम करेंगे, और जिसको उन्होंने भेजा है उसको जिता के भेजेंगे, यही हम अपने नेता को इनाम देंगे। कैसे जिता के भेजेंगे? अभी जो है मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार का आंकड़ा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे जो हम जो राशन दे रहे हैं 5-5 किलो, लोग उससे खुश हैं बहुत, और इस बार फिर से एक बार जो है मोदी सरकार। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बहुत बड़े लोग हैं, और जितने बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बात होती है। अच्छा। और उन्होंने जो कहा है कि 5 किलो राशन दर्शाता है कि मेरा देश कितना गरीब है। अगर हमारा देश संपन्न होता तो 5 किलो राशन न लेता, हर आदमी अगर अपने पैर पे होता, और हमें रोजी और काम और रोजगार की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, ना कि हमें सरकार से मदद की जरूरत। सरकार का जो सही मानक है, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, कहना नहीं चाहिए, मुझे अफसोस इस बात का कि जो दवे का पत्ता 70 रुपये का बिकता था, आज उस दवे का पत्ता 370 हो गया है। अच्छा। हाँ, 370 रुपये हो गया, गरीब बिना दवे के मर जाएगा। आज बहुत मन में दुख होता है हमारे देशवासी, हमारे लोग, हमारे मुल्क में गरीबी है। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन हम अमेरिका, रूस, जापान, तमाम यूरोप के तमाम मुल्कों से बहुत पीछे हैं साहब। अगर पीछे ना होते तो 5 किलो राशन पे 80 करोड़ जनता आज अपनी जीत। कैसे कह रहे हैं मोदी जी? कह रहे हैं कि जो है देश हमारा सशक्त हो रहा है, जो है बाहर जब हम जाते हैं तो बड़ी इज्जत सम्मान मिलता है, अब जो है भारत का नाम लिया जाता है विदेशों तक, और 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, हम नहीं कहेंगे, 2024 का चुनाव देश की जनता इसका जवाब देगी। अच्छा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। 2000 सामने एक कहावत है कि यजमान कितना बाल है कहीं महाराज अगवा है ये। तो 2024 का जब चुनाव होगा तो इसका रिजल्ट देश की जनता दे देगी। अभी एक चरण बीत गया है, बहुत अच्छा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफ़ी अच्छे संदेश आए हैं, जो क्षण के आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं कि हम वहाँ से, हम समाजवादी परिवार के लोग, समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन बहुत ही संतुष्ट हैं, और जितने चुनाव जहाँ जहाँ हो गए वहाँ की जनता को इंडिया गठबंधन की तरफ से हम सारे लोग उनका एहसानमंद हैं, उनकी अच्छी सोच का हम स्वागत करते हैं। और देश में सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलना चाहिए, जो रोटी नहीं पलटी जाएगी वो जल जाएगी। बड़ी बड़ी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि उधर जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें जो है भाजपा जीत रही है। देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो किसी की मीडिया है? आप तो जनता की मीडिया हैं, आवाम की मीडिया है, वो बड़ी बड़ी मीडिया के मालिक कहीं बैठे हुए हैं और उनके हिसाब से वो अपना बताते हैं। अच्छा। देश इस बात को जान चुका है, अब गोदी मीडिया के प्रति देश में कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों को। ये तो आप लोग जो चैनल चला रहे हैं इससे देश की जनता को सारी चीज़ें अवगत हो रहा है, नहीं बड़ा चैनल जो है वो किसी का चैनल है। कैसे, हम लोग तो पैदल चल के, साइकिल से चल के चले जाते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर से लोग उतर रहे हैं, भाई तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा बता रहे हैं, पिछली बार विधानसभा में भी बताया था उन्होंने, और उधर पश्चिम से जो है भाजपा मार ली बाजी। देश के लोगों, आपका एहसान है देश के लोगों पर, गरीबों पर, मजबूरों पर, लाचारों पर, आप सच्चाई दिखा रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। हम जैसे गरीब रोड पे चलने वाले लोग, मजदूर लोग, और अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा लिखा कर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे बढ़ेंगे, आने वाली नस्लें, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, कई साल जिंदा रहेंगे, अब बच्चों के लिए देश भविष्य है, हर नौजवान देश का अगला भविष्य है, और उसको अगर देश की तरफ से नहीं बढ़ाया जाएगा तो हमारी पीढ़ियाँ, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा।
अच्छा जी, नौकरी तो मिल रही है कहाँ नेताजी, नौकरी तो मिल रही है बता रहे हैं लोग, भाजपा के लोग बता रहे हैं नौकरी मिल रही है ना, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जुमलेबाज लोग क्या कहेंगे, जुमला फेंकेंगे और क्या कहेंगे, नौकरी वोकरी नहीं, लोन ले लो ना, जो है खुद मालिक बनो, नौकरी क्या बात कर रहे हैं, लोन लोन का शब्द का अर्थ आप खुद लोन खुद ही कर रहा, लोन मतलब लोन खुद कर रहा, हमें मत लीजिए, इस तरह की बातें, लोन ले लें ये सब लेने, तो हम सरकार लोग किस लिए बनाते हैं, लोन लेने के लिए सरकार बनाते हैं, रोजगार लेने के लिए बनाते हैं, सरकारी नौकरी कितना दिया जाएगा, जनसंख्या ज्यादा है ना, जनसंख्या ज्यादा है भाई, आप निरहुआ जी का चलाए थे अपने चैनल पे, अब उनको जनसंख्या दिखने लगी है, जहाँ रोजगार की बात आएगी जनसंख्या दिखने लगेगी, अरे मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और हम आपको जनपद जौनपुर से बता देना चाहते हैं, जनपद जौनपुर से यहाँ समाजवादी पार्टी दोनों सीट जीतने जा रही है, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को जुमला फैलाती है, यहाँ से बाबा हमारे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं जनपद जौनपुर से, और वो सामाजिक न्याय के नेता हैं, पीडीए के नेता हैं, और बाबू जी मतलब बाबू सिंह जी जब से आए हैं यहाँ पे कुशवाहा जी, लगातार लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है, हाँ, और बम्पर रोड से विजयी बनेंगे वो, यहाँ से बता रहे हैं लोग कि भाजपा है एक तरफ, जो है श्रीकला रेड्डी जी हैं जो बसपा से आई हैं, धनंजय सिंह की पत्नी है, तो कहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, पिछली बार जो बात थी वो गठबंधन की बात थी, सपा और बसपा, तब जाके यहाँ से प्रत्याशी जीते, अगर आप ये तुलना करेंगे तो हम आपको आंकड़ों के आधार पर बता देना चाहते हैं, पिछली बार लोकसभा की बात करें, हम विधानसभा उठा के देख लीजिए ना, हम विधानसभा सब लोग अलग अलग लड़े थे, फिर भी समाजवादी पार्टी सब हम लोग सबसे 20 है, सबसे ज्यादा वोट हमको मिला है, अगर आप पांचों विधानसभा की आप बात करेंगे तो आप क्यों 19 की जाते हैं, 22 का ही उठा के देख लीजिए, अगर आंकड़े की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, इस बार हमारे साथ कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, हमारे पीडीए समाज एकदम बिल्कुल एकदम दिल खोल के जुड़ रहा है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड वोटों से विजयी होंगे, यहाँ से आप जा देख लीजिए, हाँ जन नेता है ये, लोगों के लिए आप जब से जौनपुर में एंट्री मारे हैं एकदम धमाकेदार एंट्री हुई उनकी।